वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। हो आप सब अच्छे हो गए, मैं बहुत अच्छी हूँ। गाइस कमेंट करके बताना मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं। तो पिछले वाले बाबा में बताओ, मैंने आज ना कमेंट्स रीड नहीं करे क्योंकि इन्होंने आई है, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ और आप लोगों का बहुत डिमांडिंग ब्लॉग मैं आज बना रही हूँ कि मतलब इंस्टाग्राम और यूट्यूब से अगर लड़कियाँ चाहें तो कैसे अर्निंग कर सकती हैं, क्योंकि अब नूना सो गई है और 8:30 हो रहे हैं। मैंने फटाफट किचन को साफ करा क्योंकि आज सुबह से पहला दिन ऐसा हुआ है कि मेरा किचन सो रही है ना मम्मा, मेरा किचन पहली बार गंदा रहा है। अब मैंने सारे बर्तन धोए हैं, यहाँ पे नूना का पानी उबाला है, दूध का ये ठंडा हो रहा है, इसकी बॉटल बॉईल करूँगी और इसका ना बॉटल वॉशर जो होता है ना, मैं वो लाना भूल के घर पे रह गया, तो अभी मैं ऐसी उबाल रही हूँ वरना बॉटल वॉशर से कर देती। तो आज मैं बनाऊँगी वही वाला व्लॉग, क्योंकि फिर मेरे को आज व्लॉगिंग का टाइम भी नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि 10 मिनट निकाल के यही व्लॉग बना दूँ। तो पहले मैं फटाफट से दाल वगैरह बना लूँ, टमाटर वगैरह मैंने निकाल के रख दिए, बाकी मैं दाल बना लूँ, आटा गूंधा हुआ है, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे क्या करते हैं। कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। चलो पहले मैं आपको यूट्यूब तो ज़्यादातर लोगों को पता है, इंस्टा का बताती हूँ मैं। गाइस देखो, जो मेरे पास ना वो रिंग लाइट मेरी वहीं पर अभी जगतपुर को लानी है, तो इसलिए मैं ऐसे हाथ में पकड़ के बना रही हूँ। देखो मैं पहले आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ना जो इंस्टाग्राम है ठीक है, वहाँ पे अगर आप अर्निंग करना चाहते हो, अब यूट्यूब पे क्या है कि डायरेक्ट अकाउंट में अर्निंग आती है, उसमें कोई हमारा मतलब हमारे सर के ऊपर कोई है नहीं, कोई बॉस नहीं है ठीक है, कोई हेड नहीं है जो हमें देगा वीडियो बनाओ ना बनाओ, तो यूट्यूब पे तो ऐसे अर्निंग होती है ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, बहुत से लोगों को। अगर यूट्यूब का भी नहीं पता तो कमेंट करना, नेक्स्ट व्लॉग में यूट्यूब अर्निंग के ऊपर बना दूंगी, कैसे कर सकते हो, कितना वॉच टाइम चाहिए, कितने फॉलोवर्स चाहिए, कहाँ से एडिट करना चाहिए, कैसे व्लॉग्स बनाओ जो ग्रो हो, क्या हैशटैग्स लगाओ, तो मैं बताऊंगी सब चीज़ अगर आप चाहोगे तो। अभी मैं इंस्टाग्राम का बनाती हूँ, तो गाइस इंस्टाग्राम का मैं बताती हूँ पहले आपको क्या करना है। आपकी इंस्टाग्राम पर आईडी आजकल सबकी है ठीक है, रील्स का ऑप्शन ना जब से आया है लड़कियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जो भाई अच्छे खासे घर से अमीर है उनके लिए तो कोई नहीं, और जो चाहती हैं कि हम भाई अपने सेल्फ हम अर्न करें या फिर हम सेल्फ अर्निंग वाले बने, तो भाई वो लड़कियाँ कर सकती हैं, इसमें कोई ख़राब नहीं है। और बहुत से जो कमेंट करते हैं कि वीडियो बनाना ख़राब है, तो वो करते रहे, मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, वीडियो बनाना और वीडियो बना के पैसे कमाना कोई गलत बात नहीं है। एक तो आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि दीदी आपके पास सूट आते हैं, मेकअप आता है, मेकअप प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें फ्री क्यों आती हैं, तो चलो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लो मैं हूँ, मैं नहीं, चलो आप हो, आप में से कोई लड़की है जिसके 50,000 फॉलोवर्स हैं ठीक है, और मेरे 400 फॉलोवर्स हैं, और मैंने कुछ बिजनेस खोला है, जैसे कि मैंने नेल एक्सटेंशन का काम खोला है ठीक है, या फिर मैंने लिपस्टिक बेचने का काम खोला है, तो आपकी क्या है, आपके 50,000 फॉलोवर्स हैं जो ये व्लॉग देख रहे हैं मान लो ठीक है, तो आप मेरी लिपस्टिक लगाओगे और बोलोगे कि मैंने प्रेरणा के पेज से लिपस्टिक लिया है, तो आपने मुझे एक लिपस्टिक भेजी मान लो 200 रुपये की भेज दी ठीक है, और मैंने आप मतलब मैंने आपको 200 रुपये की एक लिपस्टिक भेज दी, मेरे 400 फॉलोवर्स हैं, आपके 5,000 और वो 50,000, तो आपके 50,000 बंदों से अगर 10 बंदों ने भी वो लिपस्टिक ली तो मेरी एक लिपस्टिक तो निकल गई, आराम से निकल गया मेरा, तो इसलिए वो हमें फ्री सामान भेज देते हैं, एक सूट भेजते हैं और अगर ऐड करते हैं हम उनकी, फिर अगर उनके 4-5 निकल जाते हैं तो उनको पड़ता पूरा पड़ जाता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपका इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोवर्स होने का ये है, जो कि हर कोई आपको नहीं बताएगा, पर मैं बता रही हूँ, मुझे कोई ऐसे छुपाना पसंद नहीं है ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अच्छी खासी रील्स बना के अपने फॉलोवर्स गेन करने हैं, जहाँ आपके 50,000 फॉलोवर्स हुए ना वहाँ पे आप अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है, जैसे आप लोगों को पता होगा मैं कंपनीज़ का नाम नहीं लूँगी, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आपको रील्स भेजती हैं, अब मैं आपको बताती हूँ वो आपको कैसे कॉन्टैक्ट करेंगी। अगर आप काम करना चाहते हो तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं XYZ जो कि इंस्टाग्राम पे हैं, कंपनीज़ हैं जो प्रमोशन प्रोडक्शन हाउस हैं, प्रमोशन कंपनीज़ हैं, जैसे जानी मानी बॉस म्यूज़िक प्रोडक्शन ले लो, रील्स फैक्ट्री ले लो, और स्मार्ट हरियाणा ले लो, BH टीम ले लो, तो बहुत सारी ऐसी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि आप लोगों को रील्स भेजेंगी, आप बनाओगे आपके फॉलोवर्स के हिसाब से वो आपको पैसे देंगी। जैसे कि मान लो मैं हूँ, नहीं मान लो नोना है, नोना के 20,000 फॉलोवर्स हैं ठीक है, तो नोना को पर रील मिल रहे हैं 200 रुपये, और मान लो यहीं पर कोई आयुषी नाम की लड़की है, उसके हैं 1,00,000 फॉलोवर्स, तो वो एक रील बनाने के 700 रुपये ले रही है। मान लो कशिश है, कशिश एक रील बनाने के 1,000 रुपये ले रही है, पम्मी एक रील बनाने के 700 रुपये ले रहे हैं, प्रेरणा एक रील बनाने के 3,000 रुपये ले रही है, और जो जिनके 1 मिलियन है वो 5,000 रुपये एक रील ले रहे हैं, 10,000 रुपये एक रील ले रहे हैं,
तो यहाँ पे ये होता है कि जब आपके फॉलोअर्स गेन हो जाते हैं तो आप इजीली किसी भी कंपनी के साथ मतलब ज्वाइन होके अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक तो आपके फॉलोअर्स गेन होंगे ना, आपकी वीडियोस आने लगेगी लोगों की नज़रों में, वायरल होने लगेंगी, तो उसके बाद वो आपके पास खुद पहुँच जाएंगे, कंपनीज वाले वैसे तो खुद पहुँच जाएंगे। और अगर नहीं पहुँचते तो आप उन्हें DM कर लो कि भाई ऐसे ऐसे मेरे 30,000 फॉलोअर्स हैं, आप मुझे रील्स भेजो, मुझे काम करना है, ठीक है, मेरा ये चार्ज है, बस वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। और दूसरी ये चीज़, प्रमोशन के लिए आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स फ्री आ जाएंगे। अब आप पूछते हो कि दीदी आप लोग वाटर पार्क कैसे फ्री जाओगे, मैं पहले ना पानी बंद करके आती हूँ फिर बताऊँगी जी। तो चलो, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि दीदी आप लोग वाटर पार्क वगैरह जाते हो या कहीं घूमने जाते हो रिजॉर्ट तो फ्री कैसे जाते हो। अब वही सेम बात आ गई, अब मैं रील्स देख रही हूँ, ठीक है, कोई बंदा वाटर पार्क गया है, मैं देखती हूँ हाय यार ये इस वाटर पार्क गया कितना अच्छा, मेरा भी मन कर रहा चलो चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वाटर पार्क वाले बोलते हैं जी आप हमारे वाटर पार्क में आ जाओ, हम आपको टिकट देते हैं। अब उनकी 1500 की टिकट होती है, अगर वो दो चार टिकट फालतू दे भी देंगे फ्री में तो उनका कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। अब उन्होंने मुझे एक दो टिकट दे दी मेरी और पम्मी की, दो इन्फ्लुएंसर वाली टिकट्स होती हैं अलग, ठीक है, अगर आप वाटर पार्क वगैरह जाओगे तो। उन्होंने मुझे दो टिकट दे दी, उसके बाद मैंने जाके वहाँ रील्स बनाई, या आप गए आपने रील्स बनाई, मैंने आपकी रील देखी, मैं कहूँगी यार कितना अच्छा वाटर पार्क है, चल मैं भी चलती हूँ। बस एक टिकट से अगर चार बंदे भी चले गए तो उनको तो फ़ायदा हो गया है ना, तो इसलिए वो वाटर पार्क फ्री बुलाते हैं। तो जो भी चीज़ें इंस्टा पे फ्री आती हैं वो सिर्फ इसीलिए आती है कि वो भेज के और कमाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं हमारे ऊपर, तो ये चीज़ होती है। तो इस तरीके से आप इंस्टा पे अर्निंग कर सकते हो, इंस्टा पे अर्निंग करना बहुत ईजी है। और मैं तो चाहती हूँ स्पेशल जितनी भी लड़कियाँ जॉब नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं, अपना एक तो इसमें फ्यूचर भी अच्छा है, आप लोग फ्यूचर भी बना सकते हो। अभी क्या है, मैं को सॉन्ग्स वगैरह भी नहीं करनी किसी और के साथ, हम अपने ही सॉन्ग्स निकालेंगे, मेरा हमारा प्लानिंग चल रही है मतलब हमारी कि हम सॉन्ग्स निकालेंगे। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हो ना तो बहुत सारे जैसे आजकल यूट्यूब पर लोग सॉन्ग बना रहे हैं तो वो आपको बुला सकते हैं कि आप हमारे सॉन्ग में कर लो काम। आज मतलब इस लाइन में ना आजकल बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा लड़कियों के लिए स्पेशल। आपको पता है जब मेरे इंस्टाग्राम मैंने स्टार्ट करा था ना तो मैंने पहला एक सॉन्ग करा था, मुझे सॉन्ग का नाम भी याद नहीं है, गांव से गई थी मैं, तिगांव गांव में गई थी शूटिंग करने के लिए, फरीदा पालपन कहा है तिगांव गांव का नाम है, मैं वहाँ पर शूटिंग करने गई थी। आपको पता है उस सॉन्ग के मुझे 7,000 रुपये मिले थे, अब मैंने बहुत बड़ी चीज़ थी वो, पहले सॉन्ग के मुझे 7,000 रुपये मिले थे। फिर मैंने एक और सॉन्ग करा, फिर मुझे उसके 10,000 रुपये मिले थे। तो बस ऐसी मेरी शुरुआत हुई थी और आज मेरा मतलब मेरे को है कि मेरे को इस लाइन में अच्छा लगता है, एक तो मेरा पैशन भी है, दूसरा अर्निंग भी अच्छी है, आप लोग भी कर सकते हो, कोई बुरा काम नहीं है, कोई मेहनत वाला, इतनी मेहनत नहीं लगेगी, थोड़ा सा टाइम लगता है, देखो 2 साल मुझे भी लगे, और भी जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, कोई भी एकदम स्टार तो बन नहीं जाता, जो इतनी अकड़ दिखाते हैं ना आजकल अपने फॉलोअर्स की और अपने सब्सक्राइबर्स की, तो भाई कोई भी एकदम कूद के सीधा 1 मिलियन या 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन पे पहुंचता नहीं है, सब एक फॉलोवर से ही शुरुआत होती है, यहाँ पे 0 से शुरुआत होती है फिर आगे पहुंचते हैं। आज के लोगों के मिलियन है, लोगों के मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो मेहनत करके ही हुआ है ना, तुम लोग कौन सा एकदम कूद के पहुंच गए, जो लोग इतना इतराते हैं अपने फॉलोअर्स को लेके, भाई कोई भी कूद के नहीं पहुंचता, सबको मेहनत करनी पड़ती है, आप लोग भी करो। मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं स्पेशली गर्ल्स इंस्टाग्राम अकाउंट पे, अगर नहीं आपकी फैमिली एग्री करती तो वो तो अलग चीज़ है, ठीक है, आप लोग तो चाहती हो जॉब करना, जॉब मत करो, ठीक है। और हम अब मैं ये नहीं बोल रही कि सारे ना, अगर किसी की सरकारी नौकरी भी मतलब एम हो उनका तो छोड़ के रील्स बनाने लग जाए, ना ना ना, अगर खाली बैठे हो अभी वैसे कोई जॉब वॉब नहीं कर रहे हो तो भाई ये काम कर लो, क्या दिक्कत है। और बहुत सारी लड़कियाँ जानना भी चाहती थी कि कैसे कमा सकते हैं, तो ठीक है, मैंने भी 12th क्लास के बाद स्टार्ट कर दिया था फर्स्ट ईयर में, तो आप भी चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो। अगर अभी भी कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। अब मैं बहुत लड़कियों के रिप्लाई दे रही हूँ इंस्टाग्राम पे जो मेरे से किसी चीज़ के लिए पूछती हैं, तो आप भी कर सकते हो, मैं आपको वैसे भी समझा दूँगी, ठीक है। तो मेरी बहुत दिली तमन्ना है कि आप सब भी आगे बढ़ो, मेहनत करो और खुद कमाओ, खुद के पैरों पे खड़े हो, कैसे ना कैसे करके कमाओ, कुछ ना कुछ करो, चाहे पढ़ाई करके, भाई मेरे बस की नहीं था मैंने ये लाइन पकड़ ली, ठीक है, जिसके बस की पढ़ना है वो पढ़ लो, जिसको ये अच्छा लगा जो ये जानना चाहते थे तो वो ये कर लो, बहुत सिंपल है, ठीक है। बस वो ये एक थोड़ी सी मेहनत है, कोई कोई तो 4-5 महीने में भी ये मेहनत कर लेता है, मुझे खुद 1.5 साल लग गया, अब कोई 6 महीने में भी करके निकल जाता है, तो अब आ गया होगा आप लोगों को समझ। हाँ एक चीज़ रह गई, मैं भूल गई, अब जैसे ये MX टकाटक मौज टिक्की ये सब ऐप है तो इन पे भी ज्वाइन करने के आप लोग पैसे ले सकते हो,
मैं तो अभी किसी ऐप पे काम नहीं करती, ना मौज पे, ना टिक्की पे, ना एमएक्स वगैरह पे, मैं किसी ऐप पे नहीं हूँ, ठीक है। जैसे आपके इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं तो आप इन ऐप पे भी ज्वाइन हो सकते हो, वो आपको खुद मैसेज करेंगे, ऑनबोर्डिंग खुलती है कुछ। मैं भी सोच रही हूँ, मैं भी ट्राई करूँगी, अगस्त में इनकी ऑनबोर्डिंग खुलती है तो आ जाता है, जो एजेंट्स वगैरह होते हैं उनके आपके पास खुद मैसेज आ जाते हैं। तो जी क्या है, जैसे मान लो एक लड़की के 50,000 फॉलोअर्स हैं तो वो टिक्की पे काम कर रही है, उसको 20,000 रुपये दे रहे हैं। एक लड़की के 4,00,000 फॉलोअर्स हैं तो उसे 40,000-50,000 रुपये दे रहे हैं। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स के ऊपर आप किसी ऐप पे भी ज्वाइन हो सकते हो, जो कि शॉर्ट वीडियोज ऐप है, तो आप उन पे भी ज्वाइन हो सकते हो। तो एक तो प्लस पॉइंट ये हो गया, आप इंस्टाग्राम से भी कमा सकते हो, दूसरा आप अपने फॉलोअर्स से और ऐप्स पे भी ज्वाइन हो सकते हो, उनसे भी कमा सकते हो, तीसरा आप फ्री प्रोडक्ट्स भी ले सकते हो, और चौथा बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो प्रोडक्ट भेजते हैं लोग, और उनकी ऐड करने के भी पैसे लेते हैं। मैंने तो कभी लिए नहीं, पर बहुत से लोग लेते हैं। तो चार तरीके हैं इंस्टाग्राम पे कमाने के, सबका अपना अपना है, किसी भी तरीके से कमा सकते हैं। अब ये तो हो गया सारा इंस्टाग्राम का कि आप लोग कैसे कमा सकते हो, अगर कोई जानना चाहता है यूट्यूब का भी तो ये वाले ब्लॉग पे कमेंट कर देना, मैं यूट्यूब का भी बता दूंगी, ठीक है। अब मैं खाना बना लूँ, बैठ के आप लोगों को बताने लगती हूँ। देखो मैं यहाँ जल्दी जल्दी दाल बना रही हूँ, मैंने ऑलरेडी सब काट लिया था, तड़का लगा रही हूँ, और देखना मेरा बच्चा कितना सीधा है। पता है मम्मा काम कर रही हैं अकेले, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही कार्टून लगा रखे हैं, और मम्मी जी मैं ना तो देखो कैसे खुद कर रही हूँ, मेरा बच्चा ऐसे इतना चीदा ना बन तू, इसको पता है मम्मा दुखी ना आए, मम्मा की तबीयत खराब है इसलिए शांति से टीवी देख रहा है। ओ लव यू मेरी बच्ची, आ जाओ मम्मा पास, बस 2 मिनट, मम्मा दाल बना के आ रही हैं, है ना, दाल बना के आ रही है मम्मा। घर पे तो माछी रख लेती थी, नानी रख लेती थी, है ना, बस दाल बना के खेली खेली करेंगे मम्मा बेटा, ठीक है लड्डू बच्चों। गाइस मैं किचन का काम कर रही हूँ ना अभी, मतलब नोना बीच में रोने लगी थी तो मैं चली गई थी, उसके बाद फिर वापस आई हूँ, तो मैंने नोना को यहीं पर लेटा रखा है सोफे पे, यहीं वाला फैन चला के अपने पास, और किचन में काम करूँ, किचन में इसलिए लेके जा रही, फिर वहाँ पे धुआं लगेगा ना इसको, देख तो क्या आराम से लेता है, मैं भी था यहाँ पे मम्मा को देख रहा है काम करते हुए, हैं वो लव यू मी जान। मम्मी आने वाले होंगे पता नहीं 2 घंटे, क्या करते जी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो गाइस आज 12 बज गए क्योंकि नूना के चक्कर में हमारे साथ रोज यही हुआ, और देखना नूना सो कैसे गया। तो गाइस इसी के साथ करती हूँ मैं वाले ब्लॉग का एंड, फिर मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग के साथ, और अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग चाहिए, कौन सा चाहिए वो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं वही बना दूंगी। टाटा बाय बाय, लव यू गाइस।